नमस्कार, मैं सूरज कुमार, इस चैनल के क्रिएटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं विदाउट एटीएम कार्ड के। यानी कि जरूरी नहीं है अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, या फिर आपको जो कि एटीएम कार्ड रखने की जरूरत है पास में या फिर वॉलेट में। अगर आपके पास कोई सा भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो इस वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूं कैसे आपको अपने मोबाइल फोन से मनी रिक्वेस्ट सेंड करना है और आप एटीएम के मशीन से जो कि पैसे निकाल सकते हैं अपना, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो वीडियो को कंप्लीट तक जरूर देखिएगा। और इनसे फायदा ये भी होगा, जो भी फ्रॉड होता है किसी के भी अकाउंट से, तो वहाँ पर फ्रॉड इसलिए होता है कि उनका जो पिन है या फिर कार्ड डिटेल को किसी को पता चल जाता है, कोई भी हैकर जो कि हैक कर लेता है और उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आपको ना ही कार्ड नंबर या फिर जो कि कार्ड डिटेल या फिर एटीएम पिन को एंटर करना है, सिंपली अगर आपके पास अपना स्मार्टफोन है तो उसकी मदद से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको लाइव बताने वाला, तो वीडियो को कंप्लीट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको सिर्फ बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो SBI योनो ऐप है ऑफिशियल, उसके फीचर से कैसे आप निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपका कोई अदर बैंक में जो कि अकाउंट है या फिर अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर, जानते हैं कि कैसे आपको अपने फोन से मनी रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो वीडियो को कंप्लीट तक जरूर देखते हैं। हमारे अपने फोन की स्क्रीन पर आपको यहाँ क्या करना है, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है SBI योनो मोबाइल बैंकिंग करके। ये एप्लीकेशन को आप देख लीजिए प्ले स्टोर में, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपसे यहाँ पे मांगेगा यूजर आईडी पासवर्ड और या फिर जो कि यहाँ पे मांगेगा। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो मैं यहाँ से एंटर हो लेता हूँ इसमें। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एंटर हो जाएंगे तब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं शॉप एंड ऑर्डर के नीचे, यहाँ देख सकते हैं योनो पे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे व्यू ऑल के नीचे योनो कैश। तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है और टैप करने आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट में है विथड्रॉल मनी ATM करके ये वाला, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद आपका जो भी बैलेंस होगा यहाँ ऊपर में शो करेगा और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना जितना निकालना है आपको। तो मैं यहाँ से 1000 यानी 1000 कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, नीचे से आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 डिजिट का यानी 6 अंक का आपको यहाँ पे कोई MPIN बनाना है। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे MPIN बना ले रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे MPIN बना लीजिएगा कुछ भी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे MPIN बनाया, इसको आप जितनी बार भी यहाँ से मनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तब आपको यहाँ पे डालना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, हमेशा सेम डाल सकते हैं या फिर जो कि चेंज कर करके डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने आपको फाइनली इसका इंटरफेस आएगा अमाउंट, उसके बाद योनो कैश पॉइंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन के ऊपर यहाँ पे जो कि क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, यहाँ से नीचे में देख सकते हैं आपको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया थैंक यू फॉर यूजिंग SBI योनो कैश, यहाँ पे जो योनो कैश प्लीज़ कैश ट्रांजेक्शन नंबर इस सेंटर रजिस्ट्रेशन मोबाइल एंड पिन। आप देख सकते हैं उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे, यहाँ पे मैं आपको SMS खोल के दिखा देता हूँ, आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, यानी अपने जो MPIN डाला वहाँ पे फर्स्ट में डालना, लास्ट में यहाँ पे जो MPIN डालने के बाद आपको जो OTP है वो आपको एंटर करना। तो चलिए हम चलते हैं अपने नज़दीकी ATM मशीन में। ATM में हम आ गए ATM में। जैसे आप ATM में आएंगे तो आपको यहाँ पे नया ऑप्शन देखने को मिलेगा योनो कैश, जिसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मोबाइल पे जो OTP आया होगा वो आपको यहाँ पे OTP डाल देना। मैं OTP डाल देता हूँ, मेरे मोबाइल पे आया है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जितने पे योनो कैश एप्लीकेशन में आपने फिक्स किया है यानी एंटर किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। 1000 का 1000 का आपको यहाँ डाल देते हैं 1000 रुपया। फिर प्लेस IS यस कर देना। यस करने के बाद फिर आपको 6 डिजिट का जो आपने पिन कोड जनरेट किया हुआ आपने यानी सेट किया है कंफर्म 10 20 30 कंफर्म 10 20 देख सकते हैं यहाँ से मैं 1000 में एंट्री की तो निकल गया और सक्सेसफुली होगी। इसी तरह आप योनो कैश से जो बैलेंस निकाल सकते हैं बिना ATM के। एप्लीकेशन का यूजर आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपके पास जो कि नेट बैंकिंग होना चाहिए। इस एप्लीकेशन में आपका जो नेट बैंकिंग है SBI जो कि SBI का जो आपका नेट बैंकिंग का यूजर पासवर्ड है आप उसको यहाँ पे एंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपको नहीं पता है तो इसके अगर आपके पास जो कि गूगल क्रोम में जाकर SBI का जो ऑफिशियल साइट है आप वहाँ पर जाकर जो कि आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे क्रिएट करने में, या फिर जो कि आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर वहाँ विजिट करके यूजर आईडी पासवर्ड ले सकते हैं।
ये SBI का ऑफिशियल ऐप है, यहाँ से आप अपने बैलेंस देख सकते हैं, बैलेंस किसी को पे कर सकते हैं या फिर जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि ऑफिशियली SBI का एप्लीकेशन है।